आपके BZ जू के अंदर ही PhD की है हीरोड़ा में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख सकते हैं भाई कितनी ठंड हो रही है और धुंध देखें, बड़ी बेहतरीन ज़बरदस्त धुंध हो रही है। आज हम लोग जा रहे हैं insaniyat.com की मीटिंग अटेंड करने, तो आपको सारा दिखा दें क्या एजेंडा था, कहाँ पे हुई। राणा साहब बैठ गए, कैमरा राणा साहब ने ले लिया है। ये ठंड, ओए ओए ओए, दिन के बज रहे हैं 12 और 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन, और आप ठंड चेक करें, धुंध चेक करें मुल्तान की। और सिर्फ बर्फ़ गिर नहीं रही, बाकी तो मौसम तो वही है जैसे फ्रिज के अंदर आप बैठे हो। टेस्टी गार्डन और गाड़ी कर दी पार्क। अभी हम लोग गए हैं बाईपास की तरफ, टेस्टी गार्डन रेस्टोरेंट एंड मार्केट में। तो insaniyat.com की तमाम मीटिंग्स जो हैं वो यहीं पर होती हैं, किसी न किसी गार्डन के अंदर मुनक्कद की जाती हैं, ताकि थोड़ा इकराम भी किया जाए साथियों का और मीटिंग में उन्हें मज़ा भी आए। तो सबसे पहले हम मीटिंग का आगाज़ जो है वो तिलावत कुरान से शुरू करते हैं। उसके बाद जो बाकायदा वर्किंग है हमारी, वो 2021 के अगस्त से स्टार्ट हुई। RBC का विज़िट किया था, क्योंकि हमारी सबसे पहली एक्टिविटी थी वो ब्लड कैंप था। RBC का हमने विज़िट किया उनका, कि 14 अगस्त 2021 को हमने शजरकारी की थी, 12 सितंबर को ब्लड कैंप हमने लगाया था मुमताज़ाबाद में म्यूनसिपल ऑफिस के बाहर, जो है नमस्ते की एक्टिविटी शुरू की। उसके बाद हमने मुल्क में सैलाब आया फिर, और सैलाब की हमने एक्टिविटी की 25 जुलाई से लेकर 5 सितंबर तक। उसमें हमने जो है वो फंड रेजिंग की, पहले गल्ला मंडी में, मुमताज़ाबाद मार्केट में जाकर, एक एक शॉप वाले के पास जाकर फंड रेजिंग की, और एक अच्छी अमाउंट हमारे पास जो है ना वो जमा हो गई थी। उसका फिर हमने राशन वगैरह लिया और खैमे, दीगर जो चीज़ें थी ज़रूरत की वो ली, और तोसा से आगे एक इलाका है वहाँ पर जाकर हम लोग ने उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आए थे। इसमें हमारे साथ एक टीम भी थी, जमीयत तुलबा इस्लाम। 15 अक्टूबर को हमारी पहली आल पार्टीज़ मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद हुई थी। उसके अलावा फिर अभी जो रिसेंटली हमारी तकरीबन 1.5 माह से फूड ड्राइव की एक्टिविटी चल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा फीडबैक है। मतलब फीडबैक से मुराद मैं ये लेता हूँ कि जो मेरे मिलने वाले, आपके मिलने वाले, हमारे देखने वाले हैं, वो इसका क्या तासुर ले रहे हैं, वो इससे क्या मोटिवेशन ले रहे हैं, या हम पर तनकीद कर रहे हैं, या हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। डोनेशन पैसा और ये फ़ंड, ये सब चीज़ें एक साइड पर रखे, हमें बहुत हौसला अफजाई की, मेरे असातिज़ा ने भी, सीनियर्स ने भी, जो दोस्त अहबाब और मेरी फैमिली ने भी। इंशाल्लाह insaniyat.com का कभी ना कभी 5 साल बाद 7-10 साल बाद एक ऐसा इदारा हमने बनाना, लाइक उसमें लोगों का इलाज भी हो रहा हो, मतलब हॉस्पिटल टाइप भी हो, उसमें हमारा ऑफिस भी हो, जिसमें हम लोग अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल राशन का कोई केस आता है तो वो जो है ना विद इन आवर्स वो पूरा हो सके, कोई फीस का केस आता है तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरा हो सके। तो एक ऐसा इदारा इंशाल्लाह हमने आने वाले 5-10 सालों में खड़ा करना है, इंशाल्लाह उससे पहले कर लेंगे। इस या ये चीज़ें पूरी कर सके खुद से, तो वो स्किल वाला सिलसिला भी हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू करेंगे, ये भी एक रोज़गार ही है। ये इदारे इनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कराची के अंदर भी हमने देखा, क्योंकि उनका टैक्स पे भरोसा नहीं है, वो कहते हैं हुकूमत है वो खा जाएगी पैसे। तो जो इस तरह के सोशल वेलफेयर होते हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि उनको यकीन होता है कि ये ना हमारा पैसा सही जगह लगाएंगे, मतलब जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँचाएंगे। जब ज़रूरतमंद तक पैसा पहुँचेगा तो ज़ाहिर है वही फिर उसका रिज़ल्ट भी आपको डबल ट्रिपल करके मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने हमारे कागज़ देखे ना, SPO की टीम ने, उन्होंने उठा के ऐसे कागज़ देखे, मैंने कहा सर ये रजिस्ट्रेशन है, ये है, ये अकाउंट है, ये मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, ये प्रेसिडेंट है, ये हमारे पास 3 खवातीन हैं, ये 4 खवातीन हैं, वो भी अच्छी हुई थी ये है। उन्होंने जूँ करके देखा, अच्छा, इसमें फ़लाँ चीज़ कहाँ है, वो तो नहीं है, ऑडिट कहाँ है, वो क्या होता है, इसके अंदर वो क्या है, उन्होंने साइड करा, आप अहल नहीं है। भाई अहल नहीं है तो अहल बनाओ, ठीक है। तो मैंने अब्दुल्ला साहब जो कि मेरे दोस्त हैं हमारे सहाफ़ी, उनके कहने पर उसामा साहब आए, वो भी अब्दुल्ला साहब भी साथ थे। तो आप लोगों को जो आज मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, वो जो हमने 2007 से 2011 का 5 साल ज़ाया किए ना, मैं चाहता हूँ वो ज़ाया आपके नाम हो, ठीक है। तो अपने आप को आपने ज़हनी तौर पर सर,
2015-16 तक जो है ना ये काम बहुत आसान था, 2015-16 तक आसान था इस सेंस में कि डॉक्यूमेंटेशन करनी थी ये है वो। जो हमने 1.5 साल गुजारे हैं ना, जो आप सोच रहे होंगे कि जुलाई में हमने दरख्वास्त दी, गलबन अगस्त में दी थी और सितंबर अगले साल 14 महीने बाद आई थी, तो उसकी बुनियादी वजह भी कुछ ये थी कि हमें इतना तजर्बा नहीं था, तो शायद वो 1 साल में पहले, लेकिन अब वाकई इतना टाइम लग सकता है। उसकी वजह यह है कि 2015-16 में ना हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं, तो सैलाब आता है आपको पता है, हर साल आता है, सालाना एक इवेंट है हमारा, सालाना मैं इसको इवेंट कहता हूँ, फेस्टिवल होता है हमारा, ठीक है, मतलब हर दुनिया तरक्की करके कहाँ पहुँच गई है, हम अभी भी हर साल जून जुलाई और अगस्त की बारिश होती है और हम कहते हैं कि यार ये वाली पट्टी है ना इसके ऊपर पानी आना है, सैलाब आना है, पहले तैयार रखते हैं ज़हनी तौर पर, वो पूरा साल जो उस पट्टी को हम साफ नहीं करते, उसके ऊपर कोई हम डैम नहीं बनाते, सैलाब का इंतज़ार कर लेते हैं ताकि गैर मुल्की आए, अब वो भी समझ गए। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि 2015-16 में जब दहशत गर्दी उरूज पर पहुँची ना, तो कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी हुई हैं कि जो मेरे अकाउंट के जरिए या एन जी ओज के अकाउंट के जरिए दहशतगर्दी में इस्तेमाल हुई। इसी वजह से अब मैं आपको ये अंदर की बात बता रहा हूँ, FTF बिल आया था, FTF जो बिल आया था चौधरी निसार ने ये इंडिकेट किया था कि कुछ एन जी ओज के अकाउंट में जिहादी तंजीमों ने पैसे भेजे हैं और वो करते हैं। अभी भी आज मुझे हर महीने में कोई 2 या 3 कॉलें बाहर से आ जाती हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, यार आपके बारे में पता चला आपका अकाउंट, आपको भी आएंगी जब आपका अकाउंट खुल जाएगा, तो वो जो है ना हमने ना एक वो ये है कि मैं आपके अकाउंट में पैसे भिजवा रहा हूँ, स्टेट बैंक उसको नहीं ले रहा, तो मैं आपके अकाउंट में भिजवा देता हूँ, फिर मेरा फलां दोस्त आएगा वो आपसे ले लेगा, तो आपका तो अकाउंट है ना, रजिस्टर्ड है ना, हाँ जी रजिस्टर्ड, अच्छा यार, अच्छा आप इस तरह करना, मैं आपको 10 लाख भिजवा रहा हूँ, 1 लाख आपका होगा, 9 लाख आप मुझे दे देना। तो ये काम उस दौर में हुआ है और वाकई हुआ है। अब मुझे नहीं पता था, मुझे तो हमारे ने लंदन से फ़ोन कर दिया, धन्यवाद भाई आपको 10 लाख भेज रहा हूँ रोहित के अकाउंट में, मैंने कहा बाबा 10 लाख आ गया, मेरी ट्रांजैक्शन हो गई, यार 1 लाख आप ले लेना, अच्छा हो चल यार आईफोन आता है मेरा, लैपटॉप आता है, ठीक है, और 9 लाख आया, उन्होंने कहा यार उसामा साहब एक आएंगे आप ज़रा उनको चेक कर देना, मैंने काटा खाट, उसामा ने 9 लाख लिया, लाख मेरे पास आ गया, ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो गई। लेकिन मुझे ये नहीं पता चला उसामा कौन था, पता चला उसामा ने रात को वही 9 लाख तो बना खुदा ना खास्ता खर्च किए और बीसी चौक पे बम धमाका था। ये काम ऐसे हुए, तो ये FTF बिल आया था और फिर ये काम हुआ, इन्होंने किया NGOs के ऊपर, NGOs के ऊपर इन्होंने कहा कि यार हम तो बहुत अच्छा किया, बहुत मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो काम जो उससे एक आ गया छलनी आ गई, वो जैसे आटे की छलनी नहीं होती कि जो 2 नंबर लोग थे वो जरा बाहर निकल गए और 1 नंबर, तो अब हम 1 नंबर इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह है, मेरा इदारा बकायदा रजिस्टर्ड है, 2 अकाउंट है मेरे बैंक अकाउंट है और वो फाल हैं, कानून ट्रांजेक्शन उसके अंदर हो रही हैं, 3 बड़े प्रोजेक्ट इस टाइम मैं कर रहा हूँ, एक अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए भी दावत है, 1 फरवरी से इंशाल्लाह वो स्टार्ट हो जाएगा कि मुल्तान में यूथ स्किल हब बना रहा हूँ, IT का एक बहुत बड़ा हब होगा वो नवापुर रोड पे पीर खुर्शीद कॉलोनी में, जहाँ पे हम नौजवान बच्चियों को लड़कियों को 50 लड़कियों का पहला बैच तैयार किया जिनको IT की तरबियत हम देने जा रहे हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, कोई उसके ऊपर वो कुछ नहीं है, यूरोपीय यूनियन का वो फंड है, FDO के ज़रिए वो मुझे मिला है, तो मेरा एक ख्वाब जो है ना वो समझे वो पूरा वो हुआ। तो अब इसको उन्होंने सारा ऑनलाइन कर दिया, ये सारे जो है ना ये अब ऑनलाइन ये सारा हो गया, अब ये पहले मैनुअल भी मैं बना रहा हूँ और उसके बाद इसकी सारी की सारी जो है ना ये ऑनलाइन भी पोर्टल के ऊपर, तो ये फिर एक लंबा प्रोसेस है, उसके लिए ये अमार साहब और ये जब रजिस्ट्रेशन मिलेगी ना तो इंशाल्लाह इसी होटल में हम सेलिब्रेशन भी करेंगे, लेकिन उस वो एक तल्ख मरले से गुजर के जो मैं इनको ज़हनी तौर पर तैयार किया करना, लेकिन मैं मनोवन अपने दामने दमने सुखने जो मेरी खिदमात हुई वो मैं इनको इनके साथ वो कर रहा हूँ और करूँगा भी सही, ताकि आप लोगों का प्रोसेस हो रहा। इसके बाद दूसरा मरला शुरू होगा चैरिटी कमीशन का, एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर होता है चैरिटी कमीशन, यानी कि वो कमीशन हो जाएगा जो कि जो हमारी वजारत दाखिला है, महकमा पुलिस हो गई और दूसरे वो उसको वेरीफाई करते हैं, वो फिर एक कोई 3 से 4 महीने का एक प्रोसेस है। तो यूँ समझो कि
2023 मेरा टारगेट होगा कि दो अगले 6 महीने में आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि मैंने कुछ ऊपर की 2-4 दोस्तों से बात की है, तो मैंने कहा कि यार इसको जितनी जल्दी हो सके ना, क्योंकि सोशल वेलफेयर के ऊपर इस टाइम मेरी एनजीओ जो है ना टॉप 3 में तो आई हुई है, तो वो लोग जो है ना मेरी बड़ी रिगार्ड करते हैं, कदर करते हैं, तो उनका जब मैंने उनको ये कहा कि मेरी एनजीओ है ये, बाकी खुले हो के आप खेलें, बहुत ज़रूरत है यहाँ के लोगों को, खेलने से बराबर मतलब एक्टिविटीज़ अपनी करें, लेकिन आपकी एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, एक हाजिरी शीट ऐसी होनी चाहिए। पहला काम आप लोगों ने यही करना है, देखिए मीटिंग है ना कोई डेकोरम होते हैं, जिस तरह मैंने आते ही जाकर बैठे तलावत, हाँ वो भी मैं तलावत, ठीक है, अब तलावत के बाद एक दूसरी बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो आपको बुरी लगे, लेकिन वो होती ज़रूर है और वो बुरी नहीं है, वो अच्छी बात है कि तलावत के बाद आपकी अपनी एनजीओ में मैंने जहाँ कहा था कि 3-2 फैक्टर ऐसे हैं जो मिस हैं इस वक्त, नंबर 1 खवातीन की मौजूदगी, आबादी का कितना हिस्सा है, 51% से ऊपर है, 51 किधर है, यहाँ इंसानियत का लंबरदार आप है, वो नहीं है वो जो घर बैठी हुई है, ठीक है, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मैं साफ आपको बता रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, कल आपसे डोनर पूछेगा यहाँ पे, जो आके बैठा होगा ना एसपीओ का बंदा बैठा होगा, कहेगा यार लड़कियाँ कहाँ हैं, सर वो तो है हमारी एनजीओ में नहीं है, क्यों, अगर वो नहीं है तो फिर एनजीओ कैसे काम कर रही है, अब हमने लड़की को क्या समझा हुआ है, सेक्स सिंबल, यार वो जहाँ बैठ जाएगी तो खुदा ना खासा बैठे बैठे प्रेग्नेंट हो जाएगी, नहीं मतलब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि हजूर बाकी जो जंग होती थी जिहाद पे जाते थे तो पानी भी तो पिलाती थी, वो जो हमने वाकयात पढ़े हुए हैं हजरत आयशा से दिखा दो भाई, वहां तो कुछ नहीं, मुझे अभी अर्तुगरुल गाजी का ड्रामा आप लोगों ने देखा होगा, वो कैसे लड़कियां औरतें काम कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कोई छेड़ा किसी ने वहां, कोई नहीं छेड़ता था, वो बराबर के ही काम करती थी हमारे, अब जब हम लेवल की बात करते हैं ना तो तब भी वो ऐसी ही करती थी कई कई जगहों पे, आज भी आप अपना रिजल्ट उठाएं यूनिवर्सिटी वाले मुझे बताएं हर साल लड़कियों की कितनी पोजीशन आती है, मेजॉरिटी, लेकिन हमने क्या सोचा होगा, ओ यार एक लड़की आ गई ना हमारे दरमियान में, वो सारी निगाहें उधर ही होंगी सारी हमने एक सिंबल के तौर पर उसको, नहीं यार वो सिंबल नहीं है, वो इंसान है और वाजिब तकरीम है और मसावी हकूक की हामिल है, वो आपने उसके अंदर से जन्म लिया है, मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, उसने आपको पैदा किया है, मौत के मुंह से निकल के आई थी वो, माँ से पूछें, ये देखें ये एक आधी शीट है, ये इसके ऊपर नाम होता है, फादर नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता, अब ये देखें जेंडर भी है, मेल फीमेल है या ट्रांस, सॉरी ट्रांस भी मैं भूल गया, ही जड़े नफरत करते हैं हम लोग उनसे, जबकि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मज़ार अकदस है उसके ऊपर हिजड़े ही अंदर जाके सफाई करते हैं, ये सादत उनको मिली हुई है, इंसान नहीं जाता वो, मर्द और औरत कोई इजाजत नहीं दी हुई सऊदी हुकूमत ने, ठीक है, ट्रांस भी अगर आपके कम्युनिटी में है आपके इस हल्के में है वो है, बल्कि क्योंकि जहाँ मैंने प्रोजेक्ट किया ये फैशन मूवर जो कौन सा भावलपुर भैड़ी रोड पर एड्स के ऊपर मैंने उनके साथ काम किया था, हमने असल में उन बेचारों को इस्तेमाल नहीं किया ना, उनको इधर ही सेक्स के ऊपर डाल दिया, नाच गाने के ऊपर डाल दिया, आपकी आपको शायद पता होगा आपकी BZU के अंदर ही PhD की है हीड़ों ने, ठीक है, ट्रांस को भी, अब मैं आपको आज जब आप जहाँ से उठे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि आप आपके दिमाग में क्या चीज़ होनी चाहिए, अच्छा दूसरे नंबर पे PWD, ये भी एक और आप एक चीज़ सामने आ रही है, PWD किसे कहते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, मजूर, अफराद बहम मजूरी, लेकिन हम अब इस गुज़श्ता साल अक़वामे मुत्तहिदा ने इसको करार दिया पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी, कि रिपोर्ट कैसे बनती है, प्रोसीडिंग कैसे होती है, अब रिपोर्ट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्टिव मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था, बुलाने का मकसद क्या था,
इन्होंने फ़ोन करके आपको कह दिया यार इंसानियत की मीटिंग यहाँ पालो का है ना भाई, मकसद भी तो पूछो, तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। अब जिस तरह मैं घर से निकला, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको पहले एनजीओ का बताऊंगा, फिर आपको ये मेरे ऑब्जेक्टिव, ये बुलेट्स के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आती प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग में क्या था, तलावत हुई, तारुफ हुआ, उसके बाद अमार साहब ने किताब को ये पॉइंट किए ये किए, और आखिर में जवाब साहब आए, उन्होंने ये बातें बताई और दिया। फिर आता हर्डल्स कि इस मीटिंग को मुनक्किद करने में आपको मुश्किलात क्या है, वो रिपोर्ट का हिस्सा होती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप मीटिंग करें तो उस हर्डल्स को आप मीट करें। मतलब जो धुंध बड़ी थी, मीटिंग 11 बजे शुरू होने थी, जवाब 12 बजे लोग आए, तो ये आपकी हर्डल है। 12 बजे लोगों का आना आपके लिए मुश्किलात का सबब होना, ठीक है। नेक्स्ट आखिर में होता है अचीवमेंट, आपने इसे अचीव क्या किया, ये रिपोर्ट में सारा कुछ वो होता है। वो एक पूरा पुलंदा बन के फ्रांस के पास चला जाता है, फ्रांस उसको अप्रूव कर देता है, जनरल सेक्रेटरी और जनरल को आपके रिकॉर्ड भेज दिया, ये आप पूरी की पूरी आ गई। अब डोनर जैसे ही आएगा उसके आगे आप रख देंगे, सर ये देखेंगे आ गई है, ये रिपोर्ट है, ये तस्वीरी क्लिप है, वो रिपोर्ट के अंदर लगे। ये वारिस है, इस कौम के वारिस हैं, हमने अपने जज्बे के साथ अपने जुनून के साथ उसको करना है। मुश्किल आती है, उनको फेस करेंगे, मर्द है, इंसान है, औरत है, ट्रांसजेंडर है, PWDs है, सबको लेके साथ चलें, और आप देखें इतना खूबसूरत ये गुलदस्ता बन जाएगा। .com की मीटिंग से हम लोग फारिग हो चुके हैं, मेरे साथ भज्जी भाई भी हैं, और बड़ा मज़ा आया, बड़ा कुछ सीखने को मिला कि इंसानियत.com किस तरीके से काम कर रही है, और आगे अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी इनका होने वाला है। और मुल्तान में धुंध पड़ी है, यानी ठंड भी हो रही है, मरी बना हुआ है मुल्तान, तो ये है भज्जी भाई मेरे साथ, और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना, तनवीर भाई को दे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।